ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं ने राजस्थान के कई इलाकों को भीषण शीतलहर की चपेट में ला दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जहां कड़ाके की सर्दी से लोगों की कंपकपी छूट रही है, वहीं मेवाड़ संभाग भी ठंडे मौसम का प्रकोप झेल रहा है। राजसमंद जिले में ठंड ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाम ढलते ही ऐसा घना कोहरा छा जाता है कि सामने खड़ा इंसान भी नहीं देखा जा सकता। मौसम विभाग द्वारा 22 से 25 दिसंबर के बीच बारिश की संभावनाएं जताए जाने के बाद से लोगों में और भी डर समा गया है कि जब ठंड से यह हाल है तो बारिश होने के बाद क्या होगा। वैसे भी राजसमंद में तापमान -1 पहुंच गया है, जबकि पाला पड़ जाने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। घरों के बाहर जो भी वाहन खड़े थे उन पर बर्फ की परत जम गई है। धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बनी रही और अधिकांश लोग अपने घरों में ही कैद रहे। बदन को चुभने वाली सर्द हवाओं से ज्यादातर दुपहिया चालक परेशान थे, क्योंकि एक तो वे ठंड से परेशान थे, दूसरे घने कोहरे के कारण उन्हें रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा था। आपको बता दें कि बीते दिनों अजमेर में तापमान 10.2 डिग्री, भीलवाड़ा में 9.6 डिग्री, अलवर 8.2 डिग्री, जयपुर 12.1 डिग्री, पिलानी 1.1 डिग्री, सीकरी 5 डिग्री, कोटा 11.5 डिग्री, बूंदी 12 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 8.7 डिग्री, बाड़मेर 8.8 डिग्री, जैसलमेर 7.3 डिग्री, जोधपुर 10 डिग्री, फलौदी 7 डिग्री, बीकानेर 5.6 डिग्री, चुरू 0 डिग्री, श्रीगंगानगर 6.5 डिग्री, नागौर 3.3 डिग्री, बूंदी में 14.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा 18 से 19 दिसंबर के दौरान कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना भी जारी की गई है। इसके साथ ही फतेहपुर और माउंट आबू समेत अन्य इलाकों पर तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे भी चले जाने की संभावना है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।